नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलिशिया मेडिसिन के बारे में, जिसे हम सिलिका के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरह की टिश्यू रेमेडी है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, यह हमारे पूरे शरीर में असर करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलिका मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, सिलिका का पेशेंट देखने में किस तरह से दिखता है, यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है, किन किन बीमारियों में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, क्या हमें 6x में इस पोटेंसी का यूज करना है, क्या हमें 12x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, कब हमें 30 CH पोटेंसी में हम इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, कब हम 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, कब हमें 1m पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, किस पोटेंसी में कब हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का रिपीटेशन करना चाहिए, क्या क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आज की इस वीडियो में आपको सिलिका मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं डेली लाइव आता हूँ 8:30 बजे से लेकर 9:15 के बीच में। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी डिसीज से परेशानी है, यदि आप वहां मेडिसिन पूछना चाहते हैं, तो आप लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही में साइड में बेल आइकन की घंटी दी होगी उसे आपको प्रेस करना होगा। 3 तरह के उसमें ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको ऑल पे टिक करना होगा। जैसे ही आप ऑल पे टिक करेंगे, जैसे ही मैं लाइव आऊंगा 8:30 बजे, तो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिलेगा और लाइव क्लिनिक आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी और आप मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, सारे वीडियो आप मेरे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे साइलिशिया मेडिसिन के बारे में कि यह हमारे शरीर में कहां कहां असर करती है, फिर जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, फिर जानेंगे सिम्टम के बारे में। दोस्तों यह हमारे माइंड सिम्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है, हेडेक के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है, यह बेबी में बहुत ही अच्छा काम करती है, बच्चों में बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनको माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है, यह कॉन्स्टिपेशेंट्स में बहुत ही अच्छा काम करती है, यदि आपको कब्ज की शिकायत है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, पाइल्स के केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, जेनाइटल ऑर्गन फेल्स एंड मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, यहाँ हमारे पेट में बहुत ही अच्छा काम करती है, यदि पेट में हमेशा दर्द बना रहता है तो उस कंडीशन में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों यहाँ हमारे फेस में बहुत ही अच्छा काम करती है, यदि फेस में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, काफी लंबे समय से परेशानी होती है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ एक्ने में बहुत ही अच्छा काम करती है, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की साइलिशिया का पेशेंट देखने में किस तरह से दिखता है। साइलिशिया का जो पेशेंट होता है बहुत ही दुबला पतला होता है, जब भी वह साइलिशिया का बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होता है, ऐसा लगता है कि बच्चे को माल न्यूट्रिशन की कमी है या उसे प्रॉपर तरीका से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बच्चे की काफी लंबे समय से ऐसा लगता है देखने से बहुत ज्यादा बीमार होगा, बहुत ज्यादा दुबला पतला होगा, चलने में बहुत ज्यादा समय लगाता है, जल्दी जल्दी बच्चा चल नहीं पाता, धीरे से उसका जो मेंटल है, जो उसका माइंड है, धीरे करके डेवलप होता है, नॉर्मल बच्चे से वह वीक होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यदि बात करें नॉर्मल पुरुष में कि साइलिशिया का जो पेशेंट होता है वेरी हाईली चिली होता है, उसे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, स्वभाव में पूरा तरह से शांत होता है, पल्सेटिला से इसका कंपैरिजन किया जाता है, पल्सेटिला की क्रोनिक साइलिशिया होती है और साइलिशिया की क्रोनिक पल्सेटिला होती है, दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा मैच करती है, काफी सिम्टम पल्सेटिला के साइलिशिया से मैच करते हैं। साइलिशिया का जो पेशेंट होता है उसे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और सिर को वह हमेशा कवर करके रखता है, बहुत ही डरपोक स्वभाव का होता है, डर उसे हमेशा सताते रहता है, किसी भी काम को आगे बढ़ा नहीं सकता, काम करने में उसे हिचक होती है कि नुकसान ना हो जाए, इस तरह की हिचक साइलिशिया के पेशेंट्स में पाई जाती है। वह किसी भी बात करने से डरता है या उसे भाषण प्रस्तुत करने जाना होता है तब भी वह भाषण प्रस्तुत करने से डरता है। जैसे एग्जांपल में आपको समझाऊं तो बच्चा परीक्षा में बैठने से डरता है कि आगे क्या होगा, या वह वकील
जो वकील होते हैं वह जज के सामने केस प्रस्तुत करने जाते हैं तो वो भी वहां डरते हैं कि क्या आगे क्या होगा। इस तरह की झिझक, इस तरह का डर उनके मन में सताया होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी यह डर हमें देखने को मिलता है, पर अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट्स होता है बहुत ज्यादा दुबला पतला होता है, बहुत ज्यादा बात में जल्दी करता है, डरपोक स्वभाव का होता है, इससे इसकी तुलना की जाती है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं साइलिशिया की। अर्जेंटम नाइट्रिकम आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरा पर्सनली वीडियो है, मैं आपको मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। साइलिशिया में इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत ज्यादा सहनशील होता है, जरा सी बात में उग्र नहीं होता, जरा सी बात में उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत शांत स्वभाव का होता है और सहनशील होता है, किसी भी बात को गहन तरीका से समझता है, गंभीरता उसमें पाई जाती है, जरा सी बात में उत्तेजित नहीं होता। जैसे सल्फर और अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट्स होता है बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है किसी भी बात को लेके। इसका जो पेशेंट्स होता है हर काम के लेके बहुत ज्यादा गहर गंभीर होता है, सुनता सबकी है, करता मन की है, उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। यदि कोई उसे उकसाए तब वह आग बबूला हो जाता है। यह लक्षण हमें साइलिशिया में देखने को मिलते हैं। इस तरह के मेंटल सिम्टम, इस तरह के फिजिकल सिम्टम साइलिशिया में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह की फिजिकल मेंटल सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं जनरल सिम्टम के बारे में। दोस्तों इसका जो पेशेंट्स होता है, मैंने आपको बताया था ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, अपने सिर को हमेशा कवर किए रहता है। अब जान लेते हैं लक्षण के बारे में कि क्या लक्षण हमें पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, तो हमें साइलिशिया मेडिसिन यूज करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह हमारे पूरे शरीर में असर करती है, इसलिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों हेडेक। हेडेक की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो हेडेक होता है राइट साइडेड, इसका हेडेक हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सिर दर्द गर्दन से स्टार्ट होता है, बैक साइड गर्दन से स्टार्ट होकर सामने की ओर आता है। सिर को दबाने में, रस्सी से बांधने में, टाइट दबाने से आराम महसूस होता है, गर्म कपड़े से सेकने में पेशेंट्स को आराम महसूस होता है। यह लक्षण हमें हेडेक में देखने को मिलता है। क्रोनिक हेडेक के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, जब भी बार ठंड में जाता है तो उसे हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा हेडेक को गर्म कपड़े से कवर करके चलता है। यह साइलिशिया का बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। नेक्स्ट आता है मोतियाबिंद के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। मोतियाबिंद के केस में 12x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। जब भी आपको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको 12x पोटेंसी में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में कंटिन्यू कम से कम 6 महीने तक इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ हमारे स्टमक में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको डाइजेशन प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता, यदि आप कोई भी गर्म फूड खाते हैं उसके कारण आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में साइलिशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशंस में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको हमेशा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, पेट आपका प्रॉपर तरीका से साफ नहीं हो पाता, तो कब्ज के केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स है जिनके मन में हमेशा यह बना रहता है मैं नक्स भूमिका ले लेता हूं तो मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, या सल्फर ले लूं तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, ब्रायोनिया ले लूं तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, या एल्यूमिना ले लूं तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। कई बार क्या होता है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी या सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही तरीके से नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में आराम पूरी तरह से नहीं आता। साइलिशिया कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और इसके मेंटल सिम्टम फिजिकल सिम्टम बहुत ज्यादा आपके मैच कर रहे हैं तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें कॉन्स्टिपेशन जो होता है साइलिशिया का, उसे कब्ज की काफी लंबे समय से प्रॉब्लम होती है, जो इसका स्टूल होता है वेरी हार्ड होता है, जब भी पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो स्टूल थोड़ा सा बाहर आता है फिर रिवर्स अंदर चला जाता है, और स्टूल को पास करने में निकालने में काफी ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, और स्टूल को निकालने के लिए बाहरी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में साइलिशिया मेडिसिन यूज की जाती है 30 पोटेंसी में, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को। उस कंडीशन में साइलिशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। यह इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। किसी भी मेडिसिन में यह सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टूल पास करने के लिए बाहरी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना ओनली फॉर यह साइलिशिया में पाया जाता है, किसी भी मेडिसिन में यह नहीं पाया जाता। एलेंस की नोट आप उठा के पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा काम करती है।
साइलिसिया का जो पेशेंट्स होता है उसके माइंड में फिक्स आइडियाज होते हैं, एक विचार जो होते हैं फिक्स होते हैं और उसी विचार में वह काम किए करता है। सुनता सबकी है, करता मन की है, फिक्स आइडियाज उसमें देखने को मिलते हैं। यह भी किसी भी मेडिसिन में नहीं पाया जाता, ओनली फॉर साइलिसिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें, यह पाइल्स के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। पाइल्स के जो मसे होते हैं स्टूल पास करते समय बाहर आ जाते हैं और उसे हाथ से अंदर करना पड़ता है और पाइल्स में हमेशा दर्द बना रहता है गुदा मार्ग में, तो उस कंडीशन में 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इसके काफी अच्छे रिजल्ट पाइल्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बेबीज में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जो भी बच्चा होता है उसे माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, यानी कि पोषक तत्व की कमी होती है। जब भी बच्चे को आप देखोगे तो रोगी जैसा बच्चा आपको दिखेगा, उसका डेवलपमेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होता है और बच्चा धीरे धीरे चल करके चलना सीखता है, बच्चा तुतलाने भी लगता है और जो भी बच्चे की ग्रोथ होती है वह धीरे से होती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को साइलिसिया मेडिसिन देखने की आवश्यकता होती है और इसका जो पेशेंट्स होता है उसके चेहरे में भी झुर्रियां होने लगती है। उस कंडीशन में साइलिसिया 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को कंटिन्यू करना चाहिए। काफी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फोड़े फुंसी के केस में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा आपके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनमें उनको बार बार फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो जाती है या कभी आपको कांटा चुभ गया है, कांटा कई बार आपने देखा होगा अंदर फंस जाता है और वह प्रॉपर तरीके से बाहर निकल नहीं पाता और वहां पक जाता है, या आपको कोई पिन चुभ गई है, कई बार क्या है पिन थोड़ी बहुत अंदर रह जाती है, या आप कभी धूल कंकड़ में गिर गए हैं, कंकड़ अंदर रह जाता है और वहां की जगह पक जाती है, तो उस केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी आधा पका होता है प्रॉपर तरीके से घाव नहीं पकता, तो उस कंडीशन में जब भी हम लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो वह घाव को पूरी तरह से पका देती है और घाव को जो है पी पूरी तरह से धीरे धीरे करके बह के बाहर निकल जाता है। जब इसे हम हायर पोटेंसी में देते हैं तो वह घाव पूरी तरह से सूख जाता है। उस कंडीशन में फोड़े फुंसी को सुखाने के लिए साइलिसिया का हायर पोटेंसी में यूज किया जाता है, या घाव को पकाना है या कुछ अंदर रह गया है उसे बाहर निकालना है, उस कंडीशन में साइलिसो को लोअर पोटेंसी में पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। बेल मार्किंग नोट सिंड्रोम ऑफ दिस साइलिसिया, यह लक्षण किसी भी मेडिसिन में नहीं पाया जाता, हिपरसल्फ से इस मेडिसिन की तुलना की जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपने देखा होगा फेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब फेस में ओपन पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होने लगते हैं, तो उस केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 12x पोटेंसी में उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, 4 गोली सुबह 4 गोली दोपहर में 4 गोली रात में। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 6 मंथ से 1 साल तक करना चाहिए। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो होती है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ओपन पोर्स जैसे घाव को हील करने के लिए हायर पोटेंसी में यूज किया जाता है, जैसे ही ओपन पोर्स को ठीक करने के लिए लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जो गड्ढे होने लगते हैं धीरे धीरे करके हील होने लगते हैं, उसमें केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है ओपन पोर्स में। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट हैं हमारे, उनको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने बार बार उनके पकते रहते हैं, एक्ने पकने के बाद अंदर फिर उनके स्किन में गठान बनने लगती है, उस कंडीशन में साइलिसिया मेडिसिन का हायर पोटेंसी में यूज किया जाता है ताकि वह घाव बार बार ना बने और एक बार में ही वह ठीक हो जाए, तो हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। हायर पोटेंसी 200 और 1 mm में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओपन पोर्स को ठीक करने के लिए 12x पोटेंसी में आप यूज करें, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहां स्वेटिंग की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीने की केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, पसीने से वह गीले हो जाते हैं, हमारे हाथों में बहुत ज्यादा पसीने आने लगता है, थोड़ा सा काम करते हैं पसीना आ जाता है, या बैठे बैठे भी हाथों में पसीने आने की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत से हमने स्टूडेंट को देखा है, वह पेपर में राइटिंग कर लिखने जाते हैं या परीक्षा देने जाते हैं या स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं हाथों में पसीना आने लगता है, तो उस कंडीशन में साइलिसिया मेडिसिन का यूज किया जाता है।
कैल्केरिया कार्ब से इस मेडिसिन की तुलना की जाती है। कैल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है, जब भी बाहर रात में बिस्तर में सोने जाता है तो उसे बहुत ज्यादा पसीना आता है, तकिया जो तकिया होती है बहा पसीने से गीली हो जाती है, और इसके पसीने से कैल्केरिया कार के पसीने से खट्टी बू आती है। और साइलिसिया के पेशेंट्स में भी पसीना बहुत ज्यादा आता है जब भी वह बिस्तर में सोता है, रात में तकिया गीली हो जाती है पर इसके पसीने में खट्टी बू आती है। तो इस दोनों मेडिसिन के साथ कंपेरिजन करके पेशेंट्स को साइलिसिया या कैल्केरिया कार मेडिसिन दे तो इनकी जो स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है, पसीना हाथों में जो आता है या शरीर में आता है, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही रिजल्ट्स, इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन दो मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है, काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साइलिसिया का जो पसीना होता है उसमें गंदी बदबू आती है और हमारे बैक साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना आता है और हेड में माथे में पसीना आता है, और कैल्केरिया कार्ब का जो पसीना होता है पूरे बॉडी में होने लगता है। तो इन दो कंपेरिजन को करके हम पेशेंट को साइलिसिया मेडिसिन दे सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है पुरुषों में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। उनके मेल जेनाइटल ऑर्गन में यदि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो गई है तो हाइड्रोसील में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 12 एक्सपोटेंसी में इसमें यूज किया जाता है। सूजन आ जाती है टेस्टिस में तो उस कंडीशन में 12 एक्सपोटेंसी में 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर में, 5 गोली रात में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पुरुषों को संभोग करने के बाद हमेशा कमर में दर्द बना रहता है तो साइलिसिया उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को कंटिन्यू, कम से कम जब तक आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए, काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फीमेल ऑर्गन में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को मेंसेस प्रॉपर तरीका से नहीं आता, कभी लेट हो जाता है, कभी डिले हो जाता है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पल्सेटिला के साथ इसकी तुलना की जाती है। पल्सेटिला जो मेडिसिन है न्यू एज की जो गर्ल्स होती है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। उनमें भी जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, कभी डिले हो जाता है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, तो इन दो मेडिसिनों के साथ कंपैरिजन करके इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मेडिसिन को सिलेक्शन करने का। पल्सेटिला के ऊपर मेरा पर्सनली वीडियो है, वह वीडियो आप देखें और यह वीडियो आप देख ही रहे, दोनों की तुलना करके मेडिसिन यूज करें। मीनोरेजिया, मेटोरेजिया, डिसमेनोरिया की जो प्रॉब्लम है बच्चियों की, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फीमेल्स में ल्यूकोरिया की कंडीशन में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को काफी लंबे समय से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, एक्रिट ल्यूकोरिया होता है, काफी ऑफेंसिव स्मेल उसमें से आती है, तो ल्यूकोरिया में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर रेयर कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि बेल मार्क की नोट सिम्टम मैच कर रहे हैं, काफी मेडिसिन का उन्होंने यूज कर लिया है, एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जो जनरली ल्यूकोरिया में मेडिसिन यूज की जाती है, एल्यूमुना मेडिसिन यूज की जाती है, सीपीआर यूज की जाती है, पल्सेटिला यूज की जाती है, नाइट्रम्यूर यूज की जाती है, तो उस कंडीशन में यदि पेशेंट्स को इन मेडिसिन का यूज कर लिए हैं तो आराम नहीं आ रहा, तो साइलिसिया मेडिसिन यदि वहां यूज करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके ल्यूकोरिया में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है फीमेल्स में, यदि ब्रेस्ट में फोड़ा हो जाता है या फुंसी हो जाती है या वह पक जाती है और वह प्रॉपर तरीका से ठीक नहीं हो पाती, उनसे पीप हमेशा निकलते रहती है, तो उस कंडीशन में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। उस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन को देने की आवश्यकता होती है, या 200 पोटेंसी में रेगुलर हम 15 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करेंगे, या हायर पोटेंसी 1 एम पोटेंसी में 3 से 4 दिन तक रेगुलर इस मेडिसिन का यूज करेंगे, फिर मेडिसिन को हम स्टॉप कर देंगे। वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं बताऊंगा कि मेडिसिन का रिपीटेशन किस तरह से आपको करना चाहिए, कब किस कंडीशन में पोटेंसी को आपको यूज करना चाहिए, और क्या इसके एग्रावेशन और रेमोलेशन होते हैं, और भी किन मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है फिस्टुला के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों को भी फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है वह काफी लंबे समय से परेशान रहते हैं, उन्हें पस का डिस्चार्ज रहता है, उनके गुदा मार्ग में इचिंग होती है, खुजान होती है, जलन होती है और हमेशा दर्द बना रहता है, पीप गंदी उनसे निकलती है, गंदी उसमें बदबू आती है, तो साइलिसिया हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, उनमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिस्टुला के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है वैक्सीनेशन के बाद भी यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में साइलिसिया मेडिसिन का यूज किया जाता है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन
इज द टू मेडिसिन, पहले नंबर पे आता है थूजा, दूसरे नंबर पे आती है साइलेसिया। इन दो मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट्स में किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तो पहले नंबर पे आप यूज कर सकते हैं थूजा मेडिसिन। थूजा मेडिसिन से यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी आराम नहीं आ रहा है तो आप 30 पोटेंसी में साइलेसिया मेडिसिन यूज करें, आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लक्षण आता है दूध का ना पचना। जिन लोगों को भी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा हो, जिन लोगों को भी दूध प्रॉपर तरीका से नहीं डाइजेस्ट होता, उसमें दो मेडिसिन का यूज किया जाता है। पहले नंबर पे आती है साइलेसिया, दूसरे नंबर पे आती है पल्सेटिला। इन दो मेडिसिनों के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको दूध प्रॉपर तरीका से बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब भी वह दूध पीते हैं तो कभी उनको उल्टी की इच्छा होती है, कभी गैस बन जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है, या इसका बेल मार्क की नोट सिम्टम है। यदि आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसमें आप साइलेसिया 200 पोटेंसी में दिन में एक बार यूज करें, आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूध पीने से जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वह प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ एक टिशू साल्ट्स है, टिशू रेमेडी है। इस मेडिसिन का यूज 6CH में भी किया जाता है, 12X में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप काफी लंबे समय से इस मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं तो 6X में इस मेडिसिन का आप यूज करें, अन्यथा 12X में इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए। जब भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन का यूज आप 12X में करें। यदि आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या आपके एक्ने में बहुत ज्यादा पस का डिस्चार्ज होते रहता है, आपने काफी मेडिसिन यूज कर ली है, तो इस कंडीशन में आपको 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो 12X में इस मेडिसिन का यूज करें। यदि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो कब्ज की प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का आप यूज करना है, आपको 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 2 मंथ तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह और शाम को आपको करना है कंटिन्यू 1 मंथ तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज दिन में एक बार किया जाता है, कंटिन्यू कम से कम 25 दिन तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1 एम पोटेंसी का इस मेडिसिन का यूज वीकली किया जाता है, 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में। जैसे आपने 1 एम पोटेंसी 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में आपने ली है तो नेक्स्ट वीक में ही आप इस मेडिसिन का रिपीटेशन करें, अन्यथा इस मेडिसिन का रिपीटेशन आपको नहीं करना है। यदि आपको आराम देखने को मिल रहा है किसी भी कंडीशन में तो इस मेडिसिन का रिपीटेशन आप ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों इसके एग्रावेशन विद एम्यूलेशन की, यदि हम एग्रावेशन और एम्यूलेशन की बात करें तो इसका जो साइलेसिया का जो पेशेंट्स होता है उसमें ठंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंड में उसको एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है, हमेशा अपने सिर को कवर किए हुए रखता है और उसे ठंड बहुत ज्यादा लगने के कारण हमेशा अपने शरीर को वह कवर किए रखता है। यदि हम एम्यूलेशन की बात करें तो इसे ठंड से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, नहाने से उसे बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहाने से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडी चीज कोई भी खा लेता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, एग्रावेशन और एम्यूलेशन हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की तो पल्सेटिला इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, और बात करें कंपैरिजन की तो क्या किन मेडिसिनों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, पल्सेटिला के साथ इस मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है, कैल्क्यूरिया कार्ब के साथ इस मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है, इन दो मेडिसिनों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। या दो मेडिसिन के ऊपर मेरा पर्सनली वीडियो है, यह वीडियो देख के और यह साइलेसिया का वीडियो आप देख रहे हैं, तीनों मेडिसिन के साथ कंपैरिजन करके किसी एक मेडिसिन का यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर में ही अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। जब भी हम मेडिसिन यूज करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। जिस तरह से आपने मेडिसिन यूज़ करी है 200 पोटेंसी, 1 एम पोटेंसी, 30 पोटेंसी जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके पावर को यह कम कर देती है, इसलिए हमें परहेज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय अवश्य करने चाहिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।